मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। गैर जुबान में दुआ किस किस को आती है? बहुत सारों को आती होगी। तो आज हम गैर जुबान के बारे में सीखेंगे कि खुदा का कलाम गैर जुबान के बारे में क्या कहता है। आप यकीन जाने कि इस मजबा के ऊपर आज जितनी भी बातें होंगी वो कलाम से होगा, और ये मेरा अपना कलाम नहीं होगा बल्कि ये खुदा का कलाम होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि गैर जुबान के बारे में जो बिदत पाई जाती है उसको आज हम सीख सकें। तो चले हमें एक हवाला पढ़ते हैं। वैसे तो कोई भी पढ़ सकते हैं गैर जुबान के हवाले से, लेकिन खास तौर पर एक आयत हम पढ़ना चाहते हैं। पहला करिन्थियों 14वां बाब और उसकी 19वीं आयत। पहला करिन्थियों 14वां बाब और उसकी 19वीं आयत। कोई भी भाई या बहन इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन क्लीसिया में बैरानी जुबान में 10,000 बातें करने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कहूँ। औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कहूँ। आमीन। ये हवाला है गैर जुबान के मुतल्लिक। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, और भी बेशुमार हवाले हैं जो कि हम जैसे जैसे कलाम में आगे बढ़ेंगे वो सीखेंगे। इंग्लिश जुबान का जब हम मुतालिया करते हैं तो गैर जुबान को अननाउन टंग कहते हैं। अननाउन टंग, ऐसी जुबान जो अननाउन है, ठीक है, ना समझ जुबान। और उर्दू जुबान में इसके लिए गैर जुबान लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और कलामे मुकद्दस में दूसरा लफ्ज इसके लिए बेगाना जुबान इस्तेमाल हुआ है। बेगाना जबान भी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश में एक और लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अदर लैंग्वेजेस। अदर लैंग्वेजेस जो बात करेंगे तो वो भी अननाउन टंग ही है। इसके अलावा जब हम हिंदी जुबान का तर्जमा करते हैं, हिंदी जुबान में इसका मुतालिया करते हैं, तो हिंदी जुबान में गैर जुबान को अन्य भाषा कहते हैं। अन्य भाषा है कि ये समझ में आने वाली जुबान नहीं है। अन्य भाषा, जो लोग हिंदी समझते हैं उनको पता होगा कि ये अन्य भाषा। पूरी जमीन पर जब इंसान को जब तकलीफ किया गया तो पूरी जमीन पर एक ही जुबान बोली जाती थी, सबको पता है। पूरी जमीन पर एक ही जुबान बोली जाती है। जब हम कलामे मुकद्दस को भी पढ़ते हैं, और खास तौर पर जब हम तालमूद को पढ़ते हैं, तो तालमूद की किताब में इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत हमें पाई जाती है। हाम का बेटा था जिसने एक जवान औरत से शादी की, और उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने नमरूद रखा। नमरूद कलाम के मुताबिक एक सूरमा था। नमरूद के बारे में अगर आपने पढ़ना हो तो बाइबल से आप पढ़ सकते हैं पैदाइश की किताब। ठीक है, तो खुदा ने जब आदम को पैदा किया तो खुदा ने आदम को एक कोट भी अदा किया था, एक लबास अदा किया था जिस्म को ढांपने के लिए, आदम और हवा दोनों। और आदम का ये जो लबास था ये नस्ल दर नस्ल आगे जो था वो पहुंचता रहा, आगे पहुंचता रहा। ये सबसे पहले जब खुदा ने ये कोट आदम को दिया तो आदम से हनूक की मलकियत ये कोट बना। हनूक के बारे में मैं किसी दिन आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा। लोग समझते हैं सिर्फ हनूक के बारे में दो ही आयात हैं बाइबल में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हनूक के बारे में एक बहुत लंबी एक तफसील है। ठीक है जी, तो इस पर बात नहीं करेंगे। खुदा से ये कोट जो है हनूक को मिलता है। हनूक जो था वो उस वक्त का बादशाह था। ठीक है, तो वो खुदा की हजूरी में रहने वाला आदमी था। तालमूद की किताब के मुताबिक वो लोगों के सामने नहीं आता क्योंकि उसका चेहरा जलाली हो जाता था, लोग उसके चेहरे की चमक को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस पर हम बात करेंगे, सीखेंगे। सिर्फ
अनूप के ऊपर मैं टॉपिक एक लेके आऊंगा, ठीक है, उसमें से। अच्छा, ये जो कोड था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कोड जो खुदा ने आदम को दिया, आदम से आगे हनूक को मिला, हनूक के बाद ये कोड मतुसला को मिला, मतुसला को पता है इसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, 909 से भी ज्यादा थी, ठीक है जी। तो मतुसला को दिया गया ये कोड, मतुसला से इसे नूह को दिया गया, ठीक है, नूह को ये कोड फिर मिलता है। और जब तूफान नूह आता है तो नूह जो है वो इस कोड को कश्ती में ले जाता है। ये मैं तालमूद के मुताबिक, तालमूद की किताब जो है वो यहूदियों की हदीस की किताब है और उनकी रवायतों की किताब है, उसमें ये मरबूत है। पेज नंबर 30 से तालमूद की किताब से अगर आप ऑनवर्ड पढ़ना शुरू करें तो ये सारे वाक्यात आपको मिलेंगे। अच्छा, तूफान नूह के बाद क्या होता है कि उसके बाद नूह का जो बेटा हाम था उसको ये कोट मिल जाता है। और कैसे मिलता है, वो कश्ती से चुरा लेता है, ये चोरी कर लेता है। उसके बाद वो अपने भाइयों से ये कोट छुपा के रखता है। बाद में क्या होता है कि हाम ये कोट अपने बेटे कूश को देता है और कूश से आगे नमरूद पैदा होता है। और कूश जो है वो अपने बुढ़ापे के बेटे यानी जिससे वो मोहब्बत करता था नमरूद, उसको ये कोड देता है। और इस कोड की वजह से क्या होता है कि नमरूद में पावर आती है, ये शक्तियों वाला कोड होता है, खुदा की पावर इसमें होती है, खुदा ने ये मुहैया किया था ये कोड, ये कोड। तो जो नमरूद है वो उस वक्त का बादशाह बन जाता है। नमरूद के बारे में मैं एक और चीज मेरे YouTube चैनल पे नमरूद के बारे में बड़ी एक लंबी तफसील में मैंने बात की हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो नमरूद जो है वो दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर भी कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है कि उसने ईंट ईजाद की थी। तो जब उसने ईंट ईजाद की तो उसने कहा कि हम बड़े बड़े शहर बनाएंगे। तो बाइबल में उन शहरों के नाम भी लिखे हुए हैं जो के नमरूद ने बनाए थे। बाद में नमरूद जो है वो और उसके ग्रोह के लोग जो थे वो कहते हैं कि हम एक टावर बनाएंगे जिसको टावर ऑफ बेबलोन कहा जाता है, बाबल का बुर्ज कहा जाता है। बाबल का बुर्ज वो बनाते हैं, जब वो ईंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उन जो नमरूद का जो ग्रोह था उसमें तीन ग्रुप बन जाते हैं, उसमें तीन ग्रुप बन जाते हैं। यानी तीनों ग्रुपों के मुख्तलिफ के हालात होते हैं कि जब हम इस टावर को कंप्लीट कर लेंगे, ये मैं रवायत के मुताबिक बात कर रहा हूं जो कि तालमूदी की रवायत है। पहला ग्रुप है तालमूद के सफा नंबर 32 पे लिखा है। पहला ग्रुप उसमें क्या कहता है, पहला ग्रुप उसमें कहता है कि जब हम ये टावर तैयार कर लेंगे, जब हम ये बिल्डिंग बना लेंगे तो इसको इतना ऊंचा करेंगे कि वहां पर जाकर हम क्या करेंगे, अपने देवताओं को वहां पर जाके रखेंगे और हम उनकी प्रस्तुति किया करेंगे। ये पहला ग्रुप कहता है। दूसरा ग्रुप जो है वो इस चीज का अहद करता है कि हम क्या करेंगे कि जब हम ये टावर बना लेंगे तो खुदा के साथ जाके मुकाबला करेंगे, खुदा से मुकाबला करेंगे। और तीसरा ग्रुप इसमें से ये कहता है कि हम सिर्फ मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि खुदा को तीर और नेजे के साथ शिकस्त देंगे। नमरूद के मतलब एक मूवी भी बनी हुई है, शायद एनिमेटेड है, या उसमें वो फिर जब बन जाता है तो वो तीर चलाता है, ठीक है, वो शायद रवायत के मुताबिक उन्होंने बनाई होगी, ठीक है। तो ये बातें वो लोग करते हैं। तो जब खुदा को पता चलता है, गुलाम के मुताबिक जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जुबान एक होती है, वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो खुदा जब उसको देखने उतरता है तो खुदा कहते हैं इनकी तो जुबान एक है, ये जो चाहेंगे कर लेंगे, आओ हम इनकी जुबान में इख्तलाफ कर लें। तो उससे पहले पूरी दुनिया में एक ही जुबान थी और उसके बाद खुदा ने सारी जुबानें उनकी जो थी वो चेंज कर, अगर वो उसको कहता ईंट पकड़ा तो वो गरा पकड़ा देता, समझ ही ना आती उनको, वो जितने जितने प्रगंधा हो गए, कलाम में लिखा है कि वो लोग प्रगंधा हो गए।
फैल गए पूरी दुनिया में, और वहीं से फिर हमें जबानों का पता चलता है कि उनकी जबान ये है, उस मुल्क की ये है, उनकी ये है। तो जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो नए अहदनामे में हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को एक हुक्म दिया था, और ये हुक्म जो है मत्ती 28वें बाब में भी है, और ये हुक्म बड़ा ही जबरदस्त किस्म का हुक्म जो कि बाइबल में 5 दफा दोहराया गया, 5 मुख्तलिफ किताबों में, और ये था कि जाओ और सारी कौमों को अपना शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बात तो गैर जबान की हो रही है, तो ये बीच में से कहां आ गया, इसका कनेक्शन है। ये एक हुक्म है खुदा की तरफ से अपने शागिर्दों को कि जाओ सारी कौमों को अपना शागिर्द बनाओ। जब ये हुक्म अजीजों शागिर्दों को मिल जाता है तो उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। शायद वो सोचते होंगे कि हम सारी दुनिया तक खुदा का कलाम कैसे पहुंचाएंगे, हमें तो उनकी जुबानें नहीं आती। जबकि हमने पीछे पढ़ा कि खुदा ने सारी जुबानों को चेंज कर दिया, हमें तो वो जुबानें नहीं आती, हम खुदा का कलाम कैसे। तो बाद में मसीह यीशु जो है वो मसीह यीशु ने उनसे वादा भी किया हुआ था पाक रूह का कि मैं तुम्हें पाक रूह दूंगा, और बाद में हम देखते हैं कि वो पाक रूह जो है वो उनको मिलती भी है जब वो वादा करने में 35 वाले दिन है एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर उनको पाक रूह मिलती है। और अब यकीन जाने जिस चीज की उनको चिंता थी कि हम मसीह यीशु के कलाम को पूरी दुनिया तक कैसे फैलाएंगे, वही उनकी बात पूरी हुई और उनको इंशाल्लाह किसी फटती हुई जुबाने अता हुई। हालेलुया। ये थी वो बात जो कि अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं, उनको वही नेमत दी गई जिनकी उनको जरूरत थी। और बाद में फिर आगे देखते हैं कि पतरस, बल्कि मैं इससे पहले बताता हूँ कि 16 किसी पढ़ती हुई जुबानें उन पर अता हुई, और जब ये जुबानें अता हुई तो वहां पर एक सन्नाटा छा गया था, हिल गई थी वो बिल्डिंग, ऐसा जबरदस्त किस्म का ये मौजूदा हुआ, जुबानें उनके ऊपर आके ठहर गए और वो गैर जुबानें बोलने लगे। यहीं से फिर इस्तलाह चलती है कि गैर जुबानें। लेकिन एक चीज याद रखें, वो जुबान ऐसी जुबान थी जो सबको समझ आती थी, तो आजकल की गैर जुबान की तरह नहीं थी कि बोलने वाले को समझ ना आए। इसके बारे में मैं मजीद तफसील से बयान करूंगा तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे। तो जब पतरस वहां पर वाइज करता है, आपको पता है वहां पर जो सालाना एक मेला होता था तो उसमें 16 मुल्कों के लोग थे, ठीक है जी। तो 16 मुल्कों के लोग जो थे वो मुख्तलिफ किस्म की जुबानें बोलते थे, वो एक ही जुबान थोड़ी बोलते थे, वो तो मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे। तो पतरस जो कि अपनी जुबान में बोल रहा था उनको अपनी जुबान में समझ आ रही थी, ये था रूह अल कुदस का करिश्मा। ये था रूह अल कुदस का करिश्मा। और जब वो वाइज करते हैं और मसीह यीशु की खुशखबरी उनको सुनाते हैं, वो सारा हवाला आप दूसरे बाब में पढ़ सकते हैं अमाल की किताब के, तो वहां पर क्या होता है कि 3000 लोग उनमें शामिल हो जाते हैं। वहां पर सबसे पहली दुनिया की कलीसिया बनती है जिनको मसीह की कहा गया। बहुत सारे लोग जो है वो कलीसिया का मतलब जो है वो चर्च का मतलब जो है वो बिल्डिंग वाला चर्च ही कहते हैं, हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता। चर्च का मतलब कलीसिया होता है, ठीक है। और ये हमें कहां से पता चलता है, मुकाशफा की किताब से, उस चर्च के पास गया, उर्दू में तर्जमा सरजीत की कलीसिया, ये कलीसिया, सात कलीसिया, वहां से हमें पता चलता है। तो चर्च का मतलब कलीसिया होता है। अच्छा, वहां पहली कलीसिया बनती है और ये 3000 लोग जो है मसीह यीशु का इकरार करते हैं और मसीह यीशु में शामिल हो जाते हैं। अगर हम एक रफ सा अंदाजा लगाएं कि अगर हर एक की शादी हुई हो तो 3000 तो मर्द थे, तो 3000 औरतें भी शामिल हो गई, 6000 हो गई, गिनती करते जाइएगा। अगर हर फैमिली के 2-2 बच्चे हों एक अंदाजे के मुताबिक, तो 6000 ये डाल लें तो टोटल 12000 हो गए।
तो एक अंदाजे के मुताबिक हम कह सकते हैं कि 12,000 लोग उस नेमत की वजह से जो पतरस को अता हुई उसकी वजह से उन्होंने मसीह को कबूल किया और 12,000 लोगों की एक कलीसिया बन गई। ये था करिश्मा गैरतुबान का। तो हम इसके बारे में बहुत सी गलत राय भी रखते हैं। मेरे पास बहुत लंबी तफसील है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबे उसमें ना जाऊं ताकि आसान तरीके से समझा सकूं। बहुत सारे लोग जो है वो प्रैक्टिस करते हैं गैर जुबान दिवस, शायद आपको पता होगा कि वो कहते हैं शायद प्रैक्टिस करने से, बहुत सारे चर्चेज में भी लोग कहते हैं कि चलो जिन्होंने जिन्होंने गैर जुबान आती है लोग है, तो वो लोग जो है वो गैर जुबान में जिन्होंने नहीं भी आती है वो हिरू हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे घर में एक पास्टर आते थे। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पेंटिकॉस्टल हो कलीसिया, रसूली कलीसिया हो, सेवन डेज या जो भी इनके नाम है, कैथोलिक जो भी हैं, ठीक है, जितने भी फिरके हैं, बाइबल में किसी फिरके का नाम नहीं लिखा हुआ। बाइबल में सिर्फ इनको मसीही कहा गया, ठीक है। ये हमने खुद बनाए हुए हैं और खुद से अकायद बनाए हुए हैं कि ये अकीदा है, यानी इस मिशन का ये अकीदा होगा, भाई मिशन है तो उनका ये अकीदा होगा। ये हमने बनाए हुए हैं, बाइबल की ये तालीम नहीं है। बाइबल ने सबको मसीही ही कहा है, तो वहां पर जो कलीसिया पहली बने थे उनको क्या कैथोलिक कहा गया था? मसीही, मसीही कहा गया ना, ठीक है। या उनको कोई और भाई मिशन तो नहीं कहा गया, या पेंटिकॉस्टल तो नहीं कहा गया, नहीं ना कहा गया, ना ही प्रेस्बिटेरियन कहा गया, वो जो थे वो मसीही थे। तो बाइबल इसी चीज की तालीम देती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे घर में उस वक्त हम छोटे हुआ करते थे, ये तकरीबन कोई 20 साल पहले की बात है। हमारे घर में एक पास्टर आते थे और वो रसूली कलीसिया से आते थे, तो हमें गैर जुबान सिखाया करते थे। वो कहते थे हमारे पीछे पीछे ना गैर जुबान बोलो, आपको भी आ जाएगी। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ इसकी, तो वो हमें एक लफ्ज बताते थे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और भी शायद लोग बताते होंगे लेकिन वो हमें यही बताते थे, मुझे बचपन से अभी तक याद है वो चीज, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो वो कहते थे कि जब मैं जैसे मैं ये बयान करूंगा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो आपने भी पीछे TSS बोलना है, आपको रुपास की जो है आमद होगी, पक्के हो जाएंगे आपके अल्फाज। तो जितने तेज वो पासवर्ड साहब बोलते थे मैं उनसे भी ज्यादा तेज बोलता था, मैं चौथे गियर में लगा था लेकिन मुझे नहीं आई, मुझे फिर भी नहीं आई, ठीक है। तो ये नजरिया ही गलत है कि हम जो है वो अगर रट लें कुछ अल्फाज तो कुछ अल्फाज हमें आ जाते हैं, ये नजरिया ही गलत है, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो गैर जुबान है, गैर जुबान की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते हैं मसीही को, इसकी अहमियत है। और ये पाक रूह की निशानी नहीं कहते, बहुत सारे लोग इसको निशानी कहते हैं कि ये निशान है, निशान नहीं है बल्कि ये नेमत है, कलाम के मुताबिक ये नेमत है, ठीक है, निशान नहीं है। मैं भाई बरकस के चर्च में गया था तो भाई फरूख कह रहे थे नहीं ये निशान है, तो मैंने उस पर बात नहीं की, मैंने कहा चल ठीक है फिर कभी बताएंगे कि ये निशान नहीं है भाई, ये तो नेमत है, ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे ये नेमत है। तो इसकी अहमियत हमें पता चलती है, कैसे पता चलती है कि जब हम क्रंथस की कलीसिया का हवाला देखते हैं, क्रंथस की कलीसिया के हवाले से जब हम इसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि क्रंथस की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी वहां पर गैर जुबान के हवाले से बिदत पाई जाती, लोग गलत तरीके से गैर जुबान बोलते थे, लोग अपनी अपनी तरक्की के लिए गैर जुबान बोलते थे, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ऊंची ऊंची जुबान में गैर जुबान बोलते थे। तो फिर पौलुस रसूल, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितने भी खतूत लिखे गए तगड़ों की तरफ से कलीसियाओं को, वो बिदतों को खत्म करने के लिए लिखे गए। अगर आप इसका दिबाचा पढ़ें और पूरी तफसील पढ़ें तो कोई ना कोई उनमें बिदत पाई जाती थी जिसको खत्म करने के लिए वो खत लिखा करते थे, तो यहां भी ये बिदत पाई जाती थी। तो जब हम पहला ग्रंथियों पढ़ते हैं तो उसके 14वें बाब में हमें वो तफसील मिलती है। बाइबल अभी कोई ना खोले, मैं आपको जो है वो डायरेक्ट ऐसे समझाऊंगा, बाद में आप पढ़िएगा घर जाके, ठीक है जी।
अब गैर जुबान के बारे में जानने के लिए हमें बहुत सारे असूलों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि गैर जुबान की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। अगर वो खुदा की तरफ से मिली है तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ असूल हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। जब हम इन असूलों को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है, गैर जुबान क्या होती है। सबसे पहला असूल जो मैंने पहले भी बात की थी कि गैर जुबान जो है वो नेमत है, निशान नहीं है। नेमत कैसे है? क्योंकि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों से वादा किया हुआ था पाक रूह देने का, और ये वादा हम देखते हैं कि यूहन्ना चौथे बाप ने वादा किया मसीह यीशु ने कि आपको पाक रूह दिया जाएगा, रूह कुदस भेजने का वादा किया। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वो वादा पूरा भी हुआ, ठीक है जी, और वो गैर जुबाने भी उन्होंने बोली, ठीक है। मसीह यीशु ने उनको कोई निशान नहीं दिया था कि जब आपके ऊपर रूह कुदस नाजर होगा तो ये निशान होगा, कोई निशान नहीं था दिया। जब हम मसीह यीशु को दौर को देखते हैं, मसीह यीशु ने जब बपतिस्मा लिया था तो वहां ये कबूतर की मानद नाजल होता है, जब शागिर्दों को यही रूह मिलता है तो वहां ये आपके झोलों की सी फटती हुई जुबान उनको, ठीक है। तो कोई एक निशान नहीं है, इससे हम ये कह सकते हैं कि वहां पर और क्या होता है कि जोर की आंधी का सन्नाटा, ये भी एक, ठीक है। तो कोई एक मुकर्रर निशान नहीं है कि पाकरू आएगा तो इसी निशान को आपने फॉलो करना है कि पाकरू आ गया, नहीं ऐसा नहीं। जब हम पहला करंथियों 12वां बाब और उसकी 9 से लेके 11 आयत पढ़ते हैं, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, पहला करंथियों 12वां बाब 9 से लेके 11 आयत। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को सबूत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा, लेकिन ये सब तसीरें तो एक ही रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। इसलिए जो पाक रूह जो जुबाने अदा करता है ये नेमत है। जहाँ पर बहन ने सबूत कहा वो सबूत नहीं, नबूवत है, ठीक है जी, नबूवत की। तो पहली जो नेमत है वो क्या है? ईमान की, जो हमने वाला पढ़ा, पहली ईमान की नेमत है, दूसरी शिफा की नेमत है, तीसरी मौजज़ों की इसमें आती है, और चौथी नेमत नबूवत की है, और पांचवी नेमत जो है वो रूहों का इम्तियाज है, ठीक है। और छठी और सातवीं जो है वो गैर जुबान के मुतल्लिक है, छठी जो है वो किसी को गैर जुबानों की नेमत, और सातवीं क्या है? किसी को गैर जुबानों का तर्जमा करने की नेमत। तो हम जो है वो जब हमें पाक रूह मिलता है तो हम गैर जुबान में क्यों, इसी नेमत को क्यों लेना चाहते हैं, हम दूसरी नेमतें क्यों नहीं लेना चाहते? गैर जुबान एक नेमत है ना, तो हम गैर जुबान को ही क्यों लेना चाहते हैं? ये एक बड़ी पते की बात है कलाम में से। मैंने इसीलिए आपको ये कलाम उठाकर बोला था कि आज जितना भी बयान किया जाएगा वो कलाम से बयान किया जाएगा, कलाम से बाहर कोई बात भी नहीं होगी। और हम इस टॉपिक को, जो कि बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है गैर जुबान, इसको हम समझेंगे। तो गैर जुबान जो है, पहला असूल ये है कि वो नेमत है, निशान नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा असूल, गैर जुबान जो है वो पाक रूह अदा करता है। हम अपने तौर पर गैर जुबान को नहीं सीख सकते। अगर मैं कहूं कि मैं प्रैक्टिस करके या खुद साख्ता गैर जुबान बनाकर उसको पेश करूंगा या बोलने की कोशिश करूंगा तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गैर जुबान जो है वो पाक रूह ही अदा करता है। खुदा जिसको चाहता है ये जुबान देता है, जबरदस्ती हम लोग ये जुबान नहीं सीख सकते गैर जुबान की, ठीक है, क्योंकि ये खुदा की नेमत है। खुदा की नेमत को हम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है। खुदा ये नेमत जिसको चाहेगा उसको देगा, हालेलुया। अच्छा, तीसरा असूल जो गैर जुबान के बारे में है वो ये है
कि सब लोग गैर जुबान नहीं बोल सकते। कि अगर हम कहेंगे जी के हम कहते हैं ना कि जी सारे गैर जुबान से, भाई आपको क्या पता कि वो गैर जुबान में दुआ कर सकता है कि नहीं? आप क्यों सबको कह रहे हैं? और मैं फिर आपको बताऊंगा भी कलाम में से कि इकट्ठे मिलकर गैर जुबान ऊंची जुबान में करना भी नहीं चाहिए, मना है। ये कलाम कहता है, आगे चल के हम उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो गैर जुबान जो है वो लोग जो है वो सब लोग गैर जुबान नहीं बोल सकते। जिसको खुदा अता करता है सिर्फ वही लोग गैर जुबान बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे तबला बजाने की खुदा ने नेमत दी है। ठीक है भाई, वकार को वो गॉस्पेल सिंगर है, उनको गाने की नेमत अता की है। छोटे बच्चे को वो हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाता है। ठीक है, कोई कलाम सुनाता है, कोई मौजज़ो, तो ये कुछ ना कुछ चीजें जो है वो पाक रूह के वसीला से नेमते हैं मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो गैर जबान है वो सब लोग नहीं बोल सकते, जिसको खुदा अदा करता है सिर्फ वही बोल सकता है। ये था तीसरा सोल गैर जबान के बारे में, जिसको खुदा अदा करे वही बोल सकता है, सब लोग गैर जबान नहीं बोल सकते। अच्छा, चौथा जो असूल है इसके बारे में गैर जबान को समझने के लिए, चौथा असूल यह है कि दुनिया की सब जबाने समझी जाती हैं। दुनिया की जितनी भी जबाने हैं समझी जाती हैं, तो फिर गैर जबान को हम क्यों नहीं समझते? ये सोचने की बात है। दुनिया की सारी जबाने समझी जाती हैं, तो फिर गैर जबान को हम लोग क्यों नहीं समझते? पौलुस रसूल इसके बारे में कहता है, पौलुस रसूल कहते हैं इसके बारे में कि दुनिया में हाँ कितनी भी जबाने हों, इनमें से कोई भी बेईमानी नहीं। पौलुस रसूल का ये फरमान है, चाहे वो गैर जबानी क्यों ना हो बेईमानी नहीं होगी, उसका उसका कोई ना कोई मानी होगा। लेकिन आजकल की जो गैर जबान है वो एक या दो लफ्ज ही बोलते हैं, उससे आगे उनको वो गैर जबान आती ही खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमारे ताया जी हमारे घर आते थे, हमारी ताई और ताया जी, तो वो गैर जबान में दुआ करते थे और दोनों के अल्फाज सेम होते थे। ठीक है, और उनके अल्फाज होते थे ला शबरा जबरा, ला शबरा जबरा, बीच में जिंदी ला शबरा जबरा, ये भी कहते थे। हम उस वक्त छोटे होते थे और ये बातें मुझे अभी उस वक्त से याद है। ला शबरा भी तो वो इस दुनिया में नहीं है, वो गैर जबान बोला करते थे, लेकिन हमें इन चीजों को पता भी नहीं था कि हम उनसे कह सकें कि इनका तर्जमा उतार दें, हमें नहीं था पता इन चीजों का, तो हम सुना करते थे उनसे गैर जुबान, गैर जुबान में दुआ करते। तो इसलिए दुनिया में जितनी भी जुबानें हैं उनका तर्जमा होता है। ठीक है, ये पौलुस रसूल कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं? पहला कदी जो बाकी दस में। अच्छा, पांचवा असूल गैर जुबान के बारे में, पांचवा असूल गैर जबान के बारे में ये है कि गैर जबान बोलते वक्त अकल बेकार हो जाती है। गैर जबान बोलते वक्त अकल बेकार हो जाती है। आज जब मैंने कलाम शुरू किया तो मैंने यही बोला था कि आज जितना भी मैं कलाम पेश करूंगा वो मैं अपनी तरफ से नहीं पेश करूंगा बल्कि खुदा के कलाम से पेश करूंगा। पांचवा असूल ये है कि गैर जबान बोलते वक्त अकल बेकार हो जाती है। ये कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा बल्कि खुदा का कलाम कह रहे हैं। खुदा के कलाम में पहला करंथियों 14:14 में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है अगर किसी बेगाना जबान में दुआ, अगर किसी बेगाना जबान में दुआ करूं इसलिए कि अगर बेगाना जबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। ये खुदा का कलाम कहता है, मेरी रूह तो दुआ करती है मेरी अकल बेकार है। इसलिए जो पांचवा असूल है कि गैर जुबान बोलते वक्त अकल बेकार होती है, बल्कि सिर्फ यही नहीं कहते, रसूल आगे ये भी कहता है कि मैं रूह से भी दुआ करूं और अकल से भी करूं, दोनों चीजें हमें होनी चाहिए। और ये किस वक्त होगा? जब खुदा की तरफ से ये नेमत आपको मिलेगी। आमीन। खुद साख्ता बनावटी होगी तो फिर आपकी अकल बेकार हो जाएगी। अगर खुदा की तरफ से आपको नेमत मिली है तो आप रूह से भी करोगे और अकल दोनों से करोगे।
छठा असूल जो गैर जुबान के बारे में है वो ये है कि गैर जुबान में दुआ हो तो आमीन नहीं की जा सकती। आमीन का मतलब मैं आपको एक दफा बता दूं, आमीन का मतलब होता है हम मुत्तफिक हैं, ऐसा ही हो। इंग्लिश में कहते हैं वी आर एग्रीड, हम मुत्तफिक हैं। ऐसी जुबान जो आपको समझ ही नहीं आ रही है, आप उस पर मुत्तफिक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं तो नहीं होऊंगा, समझ नहीं आएगी तो तस्लीम। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि गैर जुबान में दुआ हो तो आमीन नहीं की जा सकती। मैं नहीं कह रहा बल्कि खुदा का रसूल कह रहा है, और कहां कह रहा है जी? पहला करंथियों जब हम पढ़ते हैं तो उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, वरना अगर तू रूह ही से हमद करेगा तो ना वाकफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों करता रहेगा? इसलिए कि वो नहीं जानता कि क्या कहता है। हम जब जानते ही नहीं कि क्या कहता है, वो अपनी खुद साख्ता जो गैर जुबान है उसमें वो क्या कहता है तो हम उस पर आमीन क्यों करेंगे? अगर तो वो खुदा की तरफ से नेमत है तो वो जो कहता है वो बताएगा भी कि मैंने ये कहा है, तो फिर हम उस पर आमीन भी करेंगे। ये बात। अच्छा, सातवां असूल इसके बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। सातवां असूल जो गैर जुबान के बारे में है वो ये है कि गैर जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं। गैर जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं, ये सुन के आप चौंक गए होंगे, तो फिर चर्च में क्यों बोली जाती है? इसके बारे में पौलुस रसूल एक सादा सा लफ्ज लिखता है और वो कहता है कि बस बेगाना जबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बे ईमानों के लिए हैं, निशान है। ठीक है जी। और हम देखते हैं कि 35 का मैंने दो दफा वाला दिया बल्कि तीन दफा, तो 35 के दिन वहां पर 16 मुल्कों के लोग थे, जो कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। वहां पर जो गैर जबान थी वो किसके लिए थी? दूसरों के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने छठा सूर्य बनाया था कि गैर जमाने ईमानदारों के लिए। ठीक है, वहां 16 मुल्कों के लोग थे और उनको वो समझ आ रही थी बात, और उन्होंने इस चीज को कबूल किया और वो खुदा की हजूरी में आए भी। ठीक है जी। पौलुस रसूल कहते हैं कि एक नेमत का जिक्र करते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं कि जो बेगाना जबान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है, जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। जो बेगाना जबान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है, लेकिन जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। ये पौलुस रसूल फरमा रहे हैं। इसलिए पहले करिन्थियों 14वां बाब के जब 4वीं और 5वीं आयत हम पढ़ते हैं, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा सब, 4वीं और 5वीं आयत जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर बेगाना जबाने बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे, दोबारा जोर दे रहा हूं मैं इस बात पे, अगर बेगाना जबाने बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। आमीन। अगर वो तर्जमा नहीं कर सकता, अगर उसकी अपनी बनाई हुई जुबान है तो वो उसका तर्जमा कभी नहीं कर सकेगा। अगर उसको खुदा की तरफ से नेमत मिली है तो सिर्फ उसको नेमत नहीं मिली बल्कि उसको तर्जमा भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उसे बड़ा है। 8वां असूल इसके बारे में हम जल्दी से पढ़ते हैं, सीखते हैं। 8वां असूल इसके बारे में ये है कि कलीसिया में गैर जुबाने बोलना बेईमानों के लिए पागलपन है। यानी जो मसीह पर ईमान नहीं रखते, एक मिसाल मैं देता हूँ आपको कि बहुत सारे लोग हैं, एक जैसे यही चर्च है, इसमें ऐलान हो जाता है जी सब लोग गैर जुबान में दुआ करें, सब लोग ऊंची ऊंची गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर देते हैं। तो बाहर से अगर कोई गैर ईमानदार यहाँ पर आएगा तो वो आके जब जो वो नजारा देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि ये क्या कर रहे हैं? ठीक है जी।
तो वो तो इसको पागलपन ही समझेगा ना, वो इसको पागलपन समझेगा। तो ये तो जब गैर जुबान के लिए उकसाया जाता है लोगों को, तो क्या होता है कि बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर जाते हैं, लेट जाती हैं, कपड़े उतर जाते हैं, तड़पना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लोग चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। भाई इसको तो आप खुदा की हुजूरी कह रहे हो, क्या खुदा जो है वो बेकायदगी में आएगा? खुदा तरतीब का खुदा है। आमीन, हालेलुया। खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है, लेकिन जब जो ना वाकब लोग हैं जब ये मंजर देखेगा तो वो मसीहों के बारे में क्या ख्याल करेगा? यार मसीह तो ऐसी होती है, छोड़ो यार की लोचो। इसलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं कि बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना जबान में बोले और ना वाकब या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे, पागल ना कहेंगे? इसलिए आज मैंने बोला कि आज जितना भी गैर जुबान के बारे में कलाम होगा वो कलाम मुकद्दस से होगा, इसमें मेरी कोई राय नहीं होगी। अगर मेरी कोई राय है तो वो आपको समझाने के लिए चंद फिक्रात होगी, ठीक है जी। तो इसलिए तो जो आठवां सोच था वो यही था कि कलीसिया में गैर जुबान बोलना बेईमानों के लिए पागलपन है, जो लोग ईमानदार नहीं है उनकी बात करनी। अच्छा, नौवां सूल जो है वो गैर जुबान के बारे में ये है कि अगर लोग गैर जुबान बोलना ही चाहते हैं, अगर लोग गैर जुबान बोलना ही चाहते हैं तो वो बारी बारी बोले। ये बाइबल का सूल है, सब लोग एक दफा एक ही जगह एक ही वक्त में शुरू ना हो जाए। ये कलामे मुकद्दस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कलाम में पौलुस रसूल फरमाते हैं और वो कहते हैं कि अगर कलीसिया में गैर जुबाने बोलनी हो तो दो दो या तीन तीन शख्स बारी बारी बोले, एक शख्स तर्जमा करे। जब वो बारी बारी बोलेंगे तो फिर ही तर्जमा होगा ना, क्योंकि जो नेमतें मैंने बताई थी सात, उनमें तर्जमा करने की भी एक नेमत थी। हमारे चर्च में एक पास्टर साहब हैं, पास्टर जॉन, वो बड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन करते हैं, तर्जमा बड़ा अच्छा करते हैं वो इंग्लिश जुबान से उर्दू का। तो जब भी बाहर से कोई फादर आता है बेगाना जुबान वाला, जब इधर आता है तो उसका तर्जमा वो करते हैं और हमें वो कलाम बड़ा अच्छा तरीके से समझ भी आता है, ठीक है। तो पौलुस रसूल कहते हैं अगर कलीसिया में गैर जुबाने बोलनी हो तो दो दो या तीन तीन शख्स बारी बारी बोले और एक शख्स तर्जमा करे, ठीक है। इस तरीके के मुताबिक गैर जुबाने बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो तरीका है इसके मुतलक ये गैर जबान बोली जा सकती है चर्च, लेकिन अगर सभी इकट्ठे तरीके से वो बोलेंगे तो फिर उसको समझना ही मुश्किल हो जाएगा, बल्कि जिसको तर्जमा आता है वो भी शायद समझ ना पाए कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो किस किस की जरा सुनेगा, ठीक है। ये बात कहाँ तर्जमा करने वाला होना चाहिए, अगर आपने गैर जबान मजमे में बोलनी भी है तो वहां तर्जमा होने वाला करने वाला जिसको खुदा की नेमत मिली हुई है वो होना वहां पर जरूरी है, ताकि हम उसकी दुआ पर उसने जो बात की है उस पर एग्री हो सके और आमीन कह सके। हालेलुया। तर्जमा करना जो है वो नेमत है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये नेमत बहुत सारे लोगों को दी हुई होती है खुदा ने, वो तर्जमा करते भी हैं गैर जुबानों पर, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जिसको गैर जबान मिलती है उसको तर्जमा करने की नियमत मिली होगी, उसकी अकल बेकार नहीं होती अगर इसको खुदा की तरफ से मिली है तो। अच्छा, दसवां असूल इसके बारे में ये है कि बगैर तर्जमा के गैर जबान कलीसिया में बोलने की कतन इजाजत नहीं। बगैर तर्जमा के कलीसिया में गैर जबान बोलने की कतन इजाजत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुदा का कलाम कह रहा है, ठीक है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं पहला करंथियों 14 वहां पर उसकी 28वीं आयत, तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना जबान बोलने वाला कलीसिया में चुप रहे, चुपका रहे, चुप रहे और अपने दिल में खुदा से बातें करे। अपने दिल में जो लोग जिन लोगों को खुदा ने नेमत दी है गैर जुबान की, गैर जुबान से हम इनकार नहीं करते, जिन लोगों को खुदा ने गैर जुबान की नेमत दी है वो खुदा से बातें करें,
कोशिश ही करें अपनी तरक्की के लिए, ना करें कि अगर मैं गैर जुबान ऊंची ऊंची जुबान में बोलूंगा तो सब लोग कहेंगे वाह 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 भले भले हो, हैं अपनी तरक्की के लिए है, खुदा से बातें करने के लिए आप गैर जुबान बोलें अगर खुदा ने आपको अदा किया तो। ठीक है ये जी, जो लोग जो है वो सच्चाई से वाकिफ नहीं, वो गलत तरीके से गैर जुबान बोलते हैं, तो इन चीजों से हमें उनको मना करना चाहिए कि भाई आप असूलों के मुताबिक जो गैर जुबान होनी चाहिए आप उसके मुताबिक पूरे नहीं होते रहे, इसलिए आप ना करो दुआ गैर जुबान। हम मना कर सकते हैं उनको अगर वो असूलों के मुताबिक खुदा के कलाम के मुताबिक गैर जुबान, यानी मिसाल के तौर पर रटी रुटाई जो बनावटी गैर जुबाने होती है उनको चर्च में बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा धोखे और रियाकारी की जो गैर जुबान होती है उनको भी मना करना चाहिए, चर्च में उनको बोलने से भी मना करना चाहिए, कलाम पर पूरा ना उतरने वाली जो गैर जुबान है उससे भी लोगों को मना करना चाहिए। ठीक है, समझ में ना आने वाली जो गैर जुबान है उससे भी लोगों को मना करना चाहिए। हालेलुया, अगर आप गैर जुबान के मतलब पूरा समझते हैं तो फिर आप उसको मना भी करेंगे, और अगर उसकी गैर जुबान जो है वो खुदा की तरफ से नेमत है तो वो उसमें दुआ करे, लेकिन खामोशी से करे। अगर वो दुआ करता भी है ठीक है तो करे, आप उसको मना नहीं करेंगे, खामोशी से करे। लेकिन वो चार और बंदों को भी उकसाएगा जब उसकी दुआ भी बनावटी होगी, ठीक है, धोखे वाली होगी, रटी हुई होगी, जैसे कि मैंने वो पीछे एक मिसाल भी दी थी कि उन्होंने बोला पढ़ते 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 आपको भी आएगी, इस तरह की होगी तो वो बनावटी है, वो खुदा की तरफ से नेमत नहीं है। हमें गैर जुबान जो है वो खुदा से मांगनी है, हमें गैर जुबान खुदा से मांगनी है। मसीह यसु ने अपने शागिर्दों से जो वादा किया था उस वादे को मसीह यसु ने पूरा किया, और वक्त के हिसाब से जो नेमत उनको चाहिए थी वही नेमत उनको मसीह यीशु ने दी, और उन पर पेंतेकोस्त वाले दिन जो गैर जुबाने नाजल हुई थी वो गैर जुबान जो थी वो सबको समझ आ रही थी, और वो वक्त की जरूरत भी थी क्योंकि वहां 16 मुल्कों के लोग आए हुए थे। क्या मसीह यीशु अनजान थे? मसीह यीशु को पता था, इसीलिए मसीह यीशु ने वही जुबान उनको अता की, और जब उन्होंने उनसे कलाम किया तो पहली कलीसिया हालेलुया आज के कलाम के चले से खुदा आपको आपको थैंक यू फॉर ब्लेस जोरदार तालियों कलाम के लिए आप आपको देख सकते हैं। खुदा मुझे ने बहुत शुक्रिया खुदावंदी ने और